समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने यूपी में लोकसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। उन्हें साफ कहा गया है कि अगर ईवीएम मशीन से वोटिंग होगी तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और यदि बैलेट पेपर मतदाताओं के हाथ में होंगे तो समाजवादी पार्टी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। इससे पहले आजम खान जलौन के उरई पहुंचे, जहां उन्होंने जेल के पीछे बने काले खां के मजार के मैदान में सर्व समाज के सामूहिक विवाह समारोह में भी शिरकत की है। आजम खान इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने विभिन्न समाज के 101 वर वधुओं को आशीर्वाद दिया है। मीडिया से सवाल जवाब में उन्होंने यूपी इन्वेस्टर्स समिट पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि क्या किसी ने कहा है कि कितना रुपया इन्वेस्ट करेंगे, सभी ने कहा है कि संभावना है, कोशिश करे की जाएगी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा कि देश के 135 करोड़ लोगों को 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर चुकाना है, पहले ये हिसाब चुकता करें। क्या लग रहा है यूपी में इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई है, ये यूपी को धोखा देने का एक तरीका है ये या फिर वाकई लगता है आपको कि यूपी में इन्वेस्ट होगा? किसी ने कहा इतना इन्वेस्ट करेंगे जी? संभावना है जी, कोशिश करेंगे जी। अभी तो सबसे बड़ा कर्ज प्रधानमंत्री पर 135 करोड़ लोगों का 20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का है जो उन्हें देना है। पहले वो वायदा पूरा करें, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, 8 करोड़ हो गए, वो वायदा पूरा करें, इसके बाद कोई भरोसा करेगा, वरना किसी भरोसे का सवाल। अच्छा ये क्या लगता है ये उपचुनाव है दो लोकसभाओं में, तो उत्तर प्रदेश सबमिट हुई है, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है ये उपचुनाव भाजपा के पक्ष में होगा क्या, अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा? नहीं देखिए, अगर ईवीएम होगा जी भाजपा होगी जी, और मोहर लगेगी तो समाजवादी। उत्तर प्रदेश से अनुज पाटकर की रिपोर्ट।